सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, पेंट के आज के इस एपिसोड में मैं आपको डबल बोन की बैक पॉकेट बनाना बताऊंगा। बहुत से इसको डबल वॉलेट की पॉकेट बोल देते हैं, लेकिन हम डबल बोन बोलते हैं। आप एपिसोड को ध्यान से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब हम डबल बोन की बैक पॉकेट बनाएंगे। ये हमारी बैक है, ये हमने बैक ले ली है। ये देखिए, ये हमारी बैक है, ये हमारी बैक पॉकेट है, ये पेस्टिंग है, ये पेस्टिंग भी लगा के बताऊंगा आपको। ये डट के लिए कपड़ा है, यहाँ पे जो डट आएगी उसके लिए कपड़ा है। और ये हमारी डबल बोन है, ये डबल बोन बोलते हैं इसको। बहुत से लोग डबल वॉलेट भी बोलते हैं। ये हमारी डबल बोन के लिए दो जातियां हैं, और ये मेन जाति जो इसके नीचे लगेगी, ये हमारी जाति है, ये हमारा जेब का कपड़ा है। तो सबसे पहले चलिए इनको यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले ये इसको डट बोलते हैं, बहुत से लोग प्लेट भी बोल देते हैं, लेकिन डट बोलते हैं ये। तो इसको सबसे पहले ये डालें। अब ये कितनी लंबी डालें, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि कितनी लंबी होनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच होनी चाहिए, नहीं तो 3 ही होनी चाहिए। लेकिन आप 3.5 पे भी लगाओगे तो भी ये हिप की शेप में आ जाती है। तो 3.5 पे हम निशान लगा लेते हैं। बहुत से लोग 4 भी लगाते हैं, लेकिन 3.5 एक स्टैंडर्ड साइज है, 3.5 पे हमने ये लगानी चाहिए। अब ये 3.5 पे मैंने निशान लगा लिया, और ये कुटका मार लिया है। ये हम इसको, अब इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये दोनों को बराबर कर लीजिए, ये पल्ला और ये पल्ला, ये दोनों को बराबर कर लीजिए और ये ऐसे रखिए बराबर करके। और ये जो हमारा इसके नीचे हम कपड़ा लगाएंगे, इसका फायदा भी मैं बताऊंगा क्या फायदा है। इस कपड़े को हम इसके नीचे रख लेंगे और ये इसके बराबर करके ये हम डट डालेंगे। अब ये 3.5 इंच लंबी डालनी है। अब यहां से हमें कितना दबाना चाहिए डट में, ये भी एक सवाल है। अब यहां से हमने 1 इंच डट का लिया था, ये जब पैंट काटी तो उस वक्त मैंने बताया था ये 1 इंच डट का हमने लिया है। तो ये 1/2 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 1/2 इंच का निशान हो गया 4 सूत का, और ये हमने 3.5 तक इस शेप में, ये मैं बता देता हूँ, ये इस शेप में हमने ये सिलाई मारनी है। ये हमारी डट हो गई है। ये जो फालतू कपड़ा है इसको हम हटा देते हैं, काट देते हैं, ये काट दिया हमने फालतू कपड़ा। अब ये कपड़ा लगाने का फायदा ये है कि ये भी, ये मार्जिन भी डबल है और ये कपड़ा भी डबल हो गया। तो ये इसको चीरने से, ये देखिए आपकी बैक ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगी। अगर हम ये कपड़ा नहीं लगाएंगे तो ये एक साइड मोटा मोटा रहेगा और ये आपको बैक पॉकेट लगाने में भी डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हमने ये पीस लगाया। अब इस पे हम प्रेस लगा लेते हैं। मैं साथ साथ आपको प्रेस का भी करके बताऊंगा, क्योंकि आप प्रेस साथ रखेंगे तो आपकी हर चीज साफ सुथरी बनेगी। ये देखिए आपका बिल्कुल साफ सुथरा आपका बैठ गया है। ये देखिए आपकी डट कितनी साफ सुथरी आपकी बैठ गई है। इसके ऊपर भी एक बार प्रेस लगा लीजिए। ये आपकी डट बैठ गई है। अब इस पे हम बैक पॉकेट लगाएंगे। पहले उस बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे
कैसे हमने निशान लगाना है। अब यहां से हमने कितनी नीचे बैक पॉकेट लगानी है, तो ये तकरीबन हम 2.5 से 3 इंच तक नीचे लगाते हैं। बहुत से लोग 2.5 इंच पे लगाते हैं, बहुत से 2.75 पे लगाते हैं, बहुत से 3 पे लगाते हैं। तो ये हम 3 इंच नीचे, ये 3 इंच का हमारा निशान हो गया। अब हम इधर से, ये देखिए इधर से हम कितनी लें। अब ये दबाव है, ये दबाव हमारा बैक का, ये हमारा दबाव है, ये समझो ये दबाव है, ये तो हमारा दबने में जाएगा, साइड में दबेगा हमारा। तो अब यहां से हमने इस निशान से, ये दबाव से 2 इंच इधर हमने बैक पॉकेट के मुंह का निशान लगाना है। ये 2 इंच इधर हमने लगा लिया और ये हमारा 3 इंच है। ये देखिए यहां से 2 इंच ले लिया, यहां से 3 इंच ले लिया, ये हमारा बैक पॉकेट का एक साइड का मुंह आ गया। अब हमने देखना है कि बैक पॉकेट हमने कितनी लंबी लगानी है। अब ये देखिए कम से कम, अब ये 36 साइज की पैंट है तो इसमें कम से कम हम 4.5 की हम जेब लगाएंगे। 4.5 की भी लगा सकते हैं, 5 की भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 36 इंच की पैंट में 4.5 एक स्टैंडर्ड साइज है, तो 4.5 का हम निशान लगा लिए। इधर से भी हम वही 3 इंच, ये हमारा, ये हमारा जेब का मुंह आ गया। ये 3 इंच, ये 3 इंच, यहां से 2 इंच, और जितनी जेब हमने ये लगानी है उतनी लंबी हमने ये कर दी। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे पेस्टिंग लगानी है। ये फिर दोबारा हम प्रेस का काम करेंगे, क्योंकि हमने मुंह का निशान लगा लिया है जेब का, तो हमें पता लग गया है कि हमें पेस्टिंग कहां तक, ये पेस्टिंग बाद में ही पेस्ट करना है। जब तक हमें मुंह के निशान का पता नहीं चलता तब तक हम पेस्टिंग नहीं करेंगे। अब हमें पता लग गया, अब हमने इस निशान को इधर उठा लेना है, ये हमारा निशान हो गया, और इसको हम नाखून से इधर देख लेंगे, ये हमारा निशान हो गया। अब हमें ये पता लग गया है कि हमने पेस्टिंग कहां कहां करनी है। अब ये देखिए जो फालतू फालतू कपड़ा है इसको हम काट देंगे, ये हमने काट दिया है। अब सबसे पहले ये है पेस्टिंग, अब हमने ये इस पे पेस्टिंग चिपका देनी है। ये हमने, ये देखिए अब हमें ये पता लग गया हमारा जेब कहां से कहां तक आएगी, तो ये हमने इस पे पेस्टिंग चिपका दी है। ये हमने लट्ठा पेस्टिंग है, इसको लट्ठा पेस्टिंग बोलते हैं, ये बहुत पतली होती है, बहुत पतला कपड़ा होता है लट्ठा टाइप में, ये हमने चिपकाया है। अब हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े और लेंगे और एक इस साइड से और एक इस साइड, ये हमने डबल पेस्टिंग कर दी, क्योंकि ये बहुत बहुत ही, जहां इस डट से अलग अलग रखना है हमने, ये डट से अलग अलग रखना है, ये हमने इधर कर लिया और इधर डट से कर लिया, ये डट का हमने गैप बीच में छोड़ दिया है, और ये हम इसको इसको बराबर कर लेते हैं, ये हम इसको डबल पेस्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये डबल पेस्ट का फायदा क्या हुआ। डबल पेस्ट का फायदा ये है कि ये जो मोटा होता है डट जहां हमने डाली है, ये कपड़ा यहां से मोटा हो जाता है, तो अब ये भी और ये भी एक जैसा हो गया है। अब हमारे ठोके बहुत अच्छे निकल के आएंगे, जितनी स्ट्रेंथ हम यहां पे जितनी स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे उतनी हमारी बैक पॉकेट अच्छी भी लगेगी, ड्यूरेबल भी होगी, लंबी भी चलेगी, खुस्टेगी भी नहीं। और अब यही निशान अब इस पे हम दोबारा उठा लेते हैं। ये देखिए ये हमारा निशान हो गया, ये हमारा ये निशान हो गया।
अब क्या करेंगे, ये निशान मैंने सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि ये जो हम बैक पॉकेट का अस्तर लगाएंगे इसका हमें ये अंदाजा हो जाएगा ये हमारा ठीक लगा या इधर उधर हो गया। ये हमने बैक पॉकेट का अस्तर, ये देखिए, ये हमें निशान का पता है। तो अब हम ये बैक पॉकेट का अस्तर आसानी से हम लगा सकते हैं। ये हमने लगा लिया और इसको हम अब सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सीधा कर लिया, ये हमारा बैक पॉकेट का नीचे अस्तर है, ये हमने सीधा कर लिया। अब हम ये हमारी बोन पट्टी उठाएंगे और इसको देख लें, साफ कर लें, धागा वागा ना निकले। मैं आप लोगों को बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट बहुत आराम से बताऊंगा, आप आराम से समझ सकते हैं। ये हमने बोन उठा ली, अब हम इस पे पौना पैर, पूरा एक पैर की सिलाई नहीं लगाएंगे, पौना पैर की हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये निशान पे ये हमने एक्यूरेट निशान से हम सिलाई उठाएंगे यहां से और ये पौने पैर की सिलाई लगाएंगे। अब ये जो दूसरी हम बोन लगाएंगे ये बिल्कुल इसकी सीध में होनी चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे सीध में सिलाई आनी चाहिए हमारी, ऐसे सीध में आनी चाहिए। अगर ये सीध में नहीं होगी, आगे पीछे हो जाएगी, तो हमारे दोनों ठोके खराब हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये हमने बिल्कुल सीध में लगा ले, मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ये भी सीध में होनी चाहिए, ये भी सीध में। अब हमारे दोनों ठोके बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसको हम बीच में से काट देंगे, जितनी चौड़ी हमने ये सिलाइयां लगाई है इतनी चौड़ी हमारी बोन बनेगी। अब ये काट देता हूं, अब ये काटना हमने कहां तक है, ये यहां तक काटना है। ये देखिए, ये मैं यहां तक काट रहा हूं, यहां तक काट रहा हूं, यहां से मैं इसको इधर काटूंगा और इसको इधर काटूंगा। लेकिन इसको हटा के ये जो हमारा बैक है, ये बोन की पट्टी नहीं कटेगी, ये सिर्फ बैक बैक कटेगी। अब हम इसको इधर ये काट देंगे, सिलाई तक, सिलाई से आगे नहीं जाना, सिलाई से एक तार पीछे ही रहना है, आगे नहीं जाना। ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है इससे आगे हम नहीं काटेंगे, उससे एक तार पीछे ही रखेंगे। ये देखिए, ये हमने एक तार पीछे रख के ये काट दिया है। ऐसे ही हम इधर इसको हटा के और एक तार पीछे इसको भी हम ये काट देंगे। अगर इससे हम आगे निकल गए तो हमारे ठोके दोनों खराब हो जाएंगे, हमारी बैक पॉकेट खराब हो जाएगी, हमें और बढ़ा के इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए मैं बारीकी से बता रहा हूं कि ये जो सिलाई जहां हमारी लगी है इससे एक तार पहले तक हमने ये ठोका, ये काटना है। ये देखिए, ये दोनों तरफ ये ऐसे काटना है हमने। अब इधर से भी काट लीजिए। ये वही चार सूत पहले तक, और ये हटा के कैची को ऐसे पकड़िए और ये हटा के ये ठोका आप सिलाई से एक तार पहले तक काट देंगे। ऐसे ही इधर काट देंगे,
इसको बिल्कुल आराम से काटना है। जब आपका तजर्बा हो जाए तो फिर फटाफट काट सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये आराम से काटना है। ये हमने ये काट दिया, आप देखिए इधर से, अब देखिए इधर से आपको नजर आएगा ये हमने, ये हमारे ठोके दोनों तरफ से कट गए। अब हमने क्या करना है, इसको प्रेस से प्रेस रख के, और ये जो दबाव है ये ऊपर का दबाव ऊपर की तरफ मोड़ देना है, नीचे का दबाव नीचे की तरफ मोड़ देना है। ये देखिए ये दबाव हम ऐसे मोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा ये दबाव, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए ये ऊपर का दबाव ऊपर आएगा, नीचे का दबाव नीचे जाएगा। अब इसको हम प्रेस से बिठा लेते हैं। वैसे पहले नाखून मारता हूं मैं, उसके बाद प्रेस मार के बताऊंगा आपको। ये ऐसे पकड़ा और ये ऐसे हमने नाखून से थोड़ा सा बिठा लेते हैं। आप प्रेस से बिठाना, जब आपका तजर्बा हो जाए तो आप नाखून से भी बिठा सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रेस से बिठाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और पहले थोड़ा सा नाखून से बिठा लीजिए ताकि प्रेस मारने में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप ये देखिए बैठ गया, आराम से बैठ जाता है। अब इधर से बिठा लीजिए, अब ये देखिए आराम से बैठ गया। ये नीचे का दबाव, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये नीचे का दबाव, ये नीचे का दबाव, ये ऐसे नीचे बैठ गया, इधर से दिखाता हूं, ये नीचे का दबाव इधर से ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का दबाव ऐसे ऊपर बैठ जाएगा। अब हम इस पे बोन निकालेंगे। अब बोन कितने निकालेंगे, जितने हमने चौड़ी सिलाई लगाई उतनी हमने बोन निकालनी है। ये अच्छी तरह नाखून मार के, बल्कि आप प्रेस मारिए, मैं प्रेस मार के आपको दिखाता हूं। ये मैंने नाखून से बिठा लिया है, लेकिन आप इसको हल्का सा नाखून मार के और यहां पे प्रेस से बिठाएंगे, ये प्रेस मारेंगे आप। ये दबाव हमारा बैठ गया। अब यहां पे जो डट का था उस पे हल्की सी प्रेस और मार दीजिए ताकि डट का दबाव आराम से बैठ जाए। अब इधर भी प्रेस लगा लीजिए। ये देखिए ये प्रेस लगी। अब आप आराम से इसकी बोन बना सकते हैं। अब ये हमने ये इतनी चौड़ी बोन बनानी है, पूरा पैर नहीं हमारा, ये पौना पैर है, ये पौना पैर की हमने, इसके साथ साथ ये सिलाई हमारी नजर नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर लगाएंगे तो नजर आएगी, इसके साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने ये सिलाई लगाई, लेकिन ये सिलाई नजर नहीं आएगी क्योंकि ये बिल्कुल इसके जड़ में इसके नीचे लगाई है मैंने, इसलिए ये सिलाई नजर नहीं आएगी। अब हम ऐसे ही दूसरी की सिलाई, इतनी ही चौड़ी हम बोन बनाएंगे दूसरी भी। ये देखिए हमने ये भी सेम वैसी हमने सिलाई लगाई है और उतनी चौड़ी हमने ये बोन निकाली है। अब हम इसको पलट के ऐसे उल्टी साइड में लेके जाएंगे और दोनों को हम ये बराबर बाहर निकाल देंगे। ये देखिए
ये हमने दोनों को बाहर निकाल दिया है और ऐसे ऐसे इसको आराम से तसल्ली से बिठा लीजिए। ये देखिए आराम से बैठ गई है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। अब प्रेस लगाने से ये देखिए ये हमारे ठोके बिल्कुल साफ सुथरे बैठने चाहिए। ये इन दोनों को ऐसे बराबर करके यहां आप यहां से प्रेस उठाइए और ये प्रेस लगाइए और इसको ये ऐसे दोनों बराबर रख के और यहां पे थोड़ा पानी लगा लीजिए अगर आपके पास आपको साथ में पानी रखना है, और ये थोड़ा सा दबा के प्रेस आप लगा दीजिए। ये देखिए ये हमने प्रेस से बिठा दिया है। अब हम ये देखिए ये हमारी जेब अपने आप प्रेस से बैठ गई है, ये ठोके भी बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको ये जो ठोके हैं इनको इस साइड से ये देखिए ये ठोके ये जो हमारा ये कोने है ये अब हमने सिलाई करनी है और यहां पे हमने सिलाई लगानी है। ये सीधी सिलाई लगनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए ताकि आपका ठोका टेढ़ा मेढ़ा ना हो। वैसे ये सिलाई आप बराबर लगाएंगे तो ये सीधी ही आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी। और ये बराबर काट दीजिए। ये देखिए आपका ठोका बिना प्रेस के ही साफ सुथरा बैठ गया। अब इधर से भी ऐसा ही ठोका बांध दीजिए। ये आपका दबाव, इसको अच्छी तरह बाहर खींच लीजिए और ये अस्तर को अब देखिए प्रेस मारने का फायदा ये हुआ कि आपकी जेब ये बराबर है। अब ये सीधी सिलाई आप लगा लीजिए। ये सीधा कर लीजिए और इस कोने को काट दीजिए, इस कोने को भी काट दीजिए। जब आप जेब बनाएंगे तो आपके मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी जेब का दबाव। ऐसे ही इन दोनों को भी इस कोने से काट दीजिए और इस कोने से ये काट दीजिए। ये देखिए ये आपके दोनों साइड के ठोके बिना प्रेस के ही बिल्कुल साफ हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो सिलाई है नीचे वाली, ये सिलाई आप नीचे वाली जाति की सिलाई है, ये सिलाई आप पॉकेट पे लगा लीजिए। ये देखिए ये हमने सिलाई पॉकेट पे लगा दी है, ये जाति की सिलाई पॉकेट पे लग गई है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक लुप्पी लगानी है जिससे हमारा बटन लगेगा। यहाँ पे बहुत से लोग इसमें यहाँ पे काज कर देते हैं, रेडीमेड पैंटों में तकरीबन लुप्पी भी आती है काज भी आता है, ऐसे ही सिविल में भी लोग कर देते हैं, यहाँ पे काज भी कर देते हैं और लुप्पी भी लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको लुप्पी बना के और प्रेस से बिठा के तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या लगाना है। ये हमने एक लुप्पी बनाने के लिए एक पीस ले लिया, ये पीस ले लिया। ये करीब 1 इंच चौड़ा है और ये करीब 3 इंच लंबा है। अब इसको आप देख लीजिए उल्टा सीधा कौन सा है, ये उल्टा है। अब इसको ऐसे एक लुप्पी बना लीजिए। ये हमने लुप्पी बना लिए,
इसको हम ऐसे बिठाएंगे, ये देखिए ऐसे हम इसको बिठाएंगे प्रेस से। इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे और ये यहां पे एक कोना बना लेंगे, ये एक नोक बना लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से तिरछी नोक बना के इसको ऐसे रख के, ये देखिए इसको ऊपर नीचे चढ़ा लें और ये ऐसे रख के हमने इसको प्रेस से बिठा लेना है। ये देखिए ये हमने प्रेस से बिठा लिया है और ये ऊपर नीचे हमने चढ़ा दिया है, ये ऊपर नीचे चढ़ा दिया है। यहां हम एक हल्की सी सिलाई मार देंगे ताकि ये ऊपर नीचे चढ़ी रहे। ये इसको हम पॉकेट के सेंटर में, ये देखिए ये हमारा पॉकेट का ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, यहां हमने इसको लगाना है। और ये लगाना कब है, जब हम अस्तर ऊपर लेके आएंगे, या इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आपने बिठा लिया और ये देखिए यहां से आप पकड़िए, इसके नीचे से ऐसे पकड़ लीजिए और ये सिलाई आप लगा लीजिए। चेक जरूर कर लें कि सेंटर में पॉकेट ये है कि नहीं है, या टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ऐसे हम चेक करके और तब ये हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमारी लुपी लग गई है। ये लुपी आप ये जब ऐसे बैक पॉकेट आप बनाते हैं तब भी लगा सकते हैं। जब ये अब आप ये देख लीजिए कि हमारी बैक पॉकेट कितनी लंबी होनी चाहिए। अब बैक पॉकेट कम से कम हमारी कम से कम 5.5 इंच तो जरूर होनी चाहिए। बहुत से लोग 6 इंच भी लगा देते हैं, जो लंबी पहनते हैं 5 भी लगा लेते हैं, 4.5 भी लगा लेते हैं, तो ये च्वाइस की बात होती है। अभी हम 5.5 की पॉकेट लगाएंगे, 5.5 से हम इसको ये मोड़ लेंगे और ये देख लेंगे कि ये हमारा बराबर है। यहां से भी ये जेब बराबर आनी चाहिए, यहां से बराबर आनी चाहिए, ये देखिए ये हमारा बराबर है। अब हमने एक जाति लगानी है, देखिए ये जाति लगानी है। अब ये जाति कहां लगेगी, ये जाति ये हम ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ये जो हमारी ऊपर की ये जो मुंह है इससे इतनी ऊपर हम जाति के निशान, जाति का ये निशान लगा लेते हैं। ये हमने जाति का निशान लगा लिया, यहां हम जाति लगा देंगे पहले, ये देखिए ये हम यहां पे जाति लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी जाति लग गई है। अब ये हमारा पॉकेट का निशान है, अब इस निशान को हम मोड़ लेंगे। ये अब हम इसको मोड़ लेंगे और ये देखेंगे कि ये हमारी जाति गलत तो नहीं लगी है, कहीं नीचे तो नहीं लग गई, अब ये ठीक लगी है। अब हम इसको ये ऐसे करके और ये सिलाई हम ये देखिए ये यहां हम सिलाई अब लगा देंगे। अब देखिए ये हमारी जाति लगी हुई है, ये हमारी जेब के निशान नीचे की सिलाई लग गई है, ताकि अब ये जाति ऊपर ही रह गई है। अब ये देखिए ये जो हमने जाति लगाई है ये हमारी ये इतनी नीचे तक हमारी ये जाति आ गई है,
ये देखिए, ये इतने नीचे तक, अब हमारा अस्तर नजर नहीं आएगा। अब हम इसको ऐसे सीधा रखिए और ये जेब का जो फालतू फालतू दबाव है उसको हम बराबर कर लेंगे। इसको भी यहां से फालतू फालतू काट देते हैं, इस साइड से भी। ये हमारी जेब है तो हमने ये ज्यादा से ज्यादा ये इतना रखना है ताकि हम दोनों तरफ से इसको आसानी से मोड़ सके। इसको काट दीजिए यहां से और यहां से दूसरी साइड से इसको भी ऐसे ऐसे काट दीजिए। अब हम ये सिलाई लगाएंगे, दोनों पॉकेट के साइड में सिलाई हम लगाएंगे। ये देखिए, ये दोनों जातियां, ये जातियां हमने इसमें मार्जिन में दबानी है। इसको ये सीधा बराबर काट दीजिए। ये देखिए, ये दोनों जातियां अब इस दबाव में हमने दबानी है, दोनों साइड के दबाव में हमने बराबर दबानी है। ये देखिए, जाती सीधी कर लीजिए। अब हम जहां से इस फालतू फालतू सिलाई लगा के फालतू कपड़े को काट देते हैं। ये हमारी साफ सुथरी जेब लग गई है, बैक पॉकेट। इसको हम डबल बोन की बैक पॉकेट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था डबल बोन की पॉकेट का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।